CIA वन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोनीपत CIA वन ने 40 से अधिक वाहनों के अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह के शातिर बदमाशों को इको वैन, अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। सोनीपत CIA वन पुलिस ने अंतर्राज्य वाहन चोर के शातिर बदमाश जोगिंद्र को सोनीपत के क्षेत्र लिवान राट थाना से गिरफ्तार किया है। सोनीपत में DSP रविंद्र सिंह के नेतृत्व में CIA वन टीम लगातार काम कर रही है। इसी दौरान सोनीपत में लिवान राट थाना के नजदीक यूपी के जोगिंदर उर्फ मामा, जो कि गोयना के जिला हापुड़ यूपी का रहने वाला है, जो कि इको गाड़ी चला रहा था, मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर आरोपी जोगिंदर की तलाशी के दौरान एक अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और समेत चोरी की कई इको गाड़ी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक जोगिंदर उर्फ मामा एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर है, जिसने कई राज्य से 40 से ज्यादा वाहनों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। DSP डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि जोगेंद्र अंतर्राज्यीय वाहन चोर है, जिस पर हत्या, प्रयास, मुठभेड़ में 40 से अधिक वाहन चोरी करने की घटनाओं के मामले दर्ज है। वही डॉक्टर रविंद्र ने यह भी बताया कि आरोपी जोगेंद्र उर्फ मामा ने एक सप्ताह पहले दिल्ली से इको गाड़ी चोरी की थी और उसी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी जोगिंद्र ने साल 2018 में हापुड़ में हत्या करने व अन्य कई मामलों में हत्या, प्रयास, मुठभेड़ और पंजाब दली यूपी में से 40 से अधिक वाहन चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दिया था। देखिए इस रिपोर्ट में। इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, किस किन वारदातों में शामिल था, कहां से गिरफ्तार किया, क्या खुलासे? देखिए साहब, हमारे पुलिस अधीक्षक सोनीपत श्री जसदेव रंधावा जी के आदेशानुसार हमने एक टीम का गठन किया हुआ है, जिसमें कि जो भी मोस्ट वांटेड या फिर हमारे AVT स्टाफ से रिलेटेड, जो व्हीकल थेफ्ट रिलेटेड जो भी आरोपी हैं, उनको धरपकड़ करने के लिए अलग से हमने मुहिम चलाई हुई है। उसी के अंतर्गत हमारे CIA वन के इंचार्ज रविंदर, वह इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे अनिल थे, उनकी देखरेख में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें कि राड़धाना के एरिया में उनको नाका लगा के और एक ट्रैप करके हमने एक मुख्य आरोपी, जो जिस पर लगभग 40 के मुकदमे जो व्हीकल थेफ्ट के मुकदमे दर्ज हैं और उसके साथ साथ उनके ऊपर मर्डर के और हत्या के प्रयास के भी मुकदमे दर्ज हैं, जिसका नाम जोगिंदर उर्फ मामा, जो कि यूपी का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया है और उससे अभी पूछताछ जारी है। 3 दिन का हमने रिमांड लिया है, जो अभी तक की रिकवरी में इससे लगभग हमने लगभग 5 इको वैन और एक आल्टो और एक सेंट्रो कार हमने रिकवर की है। इसके साथ साथ एक देसी पिस्तल और एक जिंदा कारतूस भी हमने इसे बरामद किया है। सर, क्या लगता है जिस तरह से इसके साथ और भी कोई व्यक्ति हो सकता है? जी बिल्कुल, जो भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग है वो बड़े ही मतलब सूझबूझ के साथ और बड़े ऑपरेटिव तरीके से क्राइम करते हैं, और इससे भी पूछताछ में जो भी आगे इनके मोडस ऑपरेंडी है, जिस ढंग से क्राइम को कमिट करते थे और जो भी इनके सरगना है, मेन सरगना है, उस तक पहुंचा जाएगा पूछताछ की गई। सर, गाड़ियां चोरी कहां कहां से की हैं इसने? देखिएगा, जो मुख्य इस पे जो अभी तक पूछताछ में हमारे सामने आया है, जो मुख्य केस दर्ज है वो पंजाब में, यूपी में और दिल्ली में दर्ज है, और वहीं पे मैक्सिमम इनके जो मोटर व्हीकल एक्ट के जो मुकदमे हैं वहीं पे दर्ज है। सर, करता क्या था ये? तो ये बेसिकली कोई काम नहीं करता था, सिर्फ ये चोरी के ही काम करता था, और अब तक जैसे मैंने आपको बताया, हमारे जो व्हीकल थेफ्ट के केसेस हैं और उसके साथ साथ जो हत्या के और हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं वो इस पे दर्ज। सर, बताया जा रहा है जेल में भी था ये? हाँ जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली जब इससे पूछताछ की गई है, अभी 15 दिन पहले ही गाजियाबाद जेल से बाहर आया। सोनीपत क्षेत्र में पकड़ा गया, क्या यहाँ भी चोरी की वारदात के सिलसिले में पहुंचा? बिल्कुल, जिस मुकदमे हमने इसे मुख्य अरेस्ट किया है वो राई पुलिस स्टेशन में दर्ज था, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, और उसी में हमने इसको अरेस्ट किया है। अभी 3 दिन के रिमांड पर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। सर, क्या पूछताछ में बताया, गाड़ी हुआ करता क्या था ये? देखिएगा, अभी विस्तार से जो भी इसकी पूछताछ है वो की जाएगी, उसके बाद आपको हालात जैसे भी होंगे बता दिया जाएगा। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।